कहाँ मिली चाबी? फाइनली हमारी गाड़ी की चाबी मिल गई, यहीं पड़ी हुई थी। और ये किसके काम हो सकते हैं? टच भी नहीं करी। और तुम एक सेकंड रुक जाओ, आप सुनो पूरा केस चलेगा प्रॉपर इसके ऊपर। आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने कार की चाबी घुमाई थी, क्या आप इल्जाम कबूल करते हैं? कोर्ट को गुमराह मत किया जाए। चाबी क्यों घुमाई थी आपने है? कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो अब तो बात ही नहीं करेंगे। छीना चपटी मत करो, पीहो पोलाइटली मांगे करो बेटा। वही तो दीदी बहुत अच्छी है, बताओ दीदी अगर लड़ने लग दूसरा तो क्या होगा तुम्हारा? फाइनली दो दिन के बाद हम नहा लिए। एक्चुअली मैं नहा के जीन्स नहीं पहनी थी, तो मैं अपना तौलिया सुखाने बाहर चला गया। कच्चे में बगल वाले बैठे होते हैं, कच्चे में देख लिया, भागा अंदर भाई। मैं सब कच्चे में छेद लिया, मैं ऐसे भाग के आके कच्चा सुखा दूंगा। वो बगल में आंटी बैठी हुई है, मतलब और भी लोग थे तो चले गए। भाई साहब धूप ही सेकते रहते हैं। अब आए भाई जीन्स पहन के, अब सुखाएंगे चौड़ में। दो दिन बाद नहाया आवाज में, तीसरा दिन तो दो दिन से भगवान की पूजा भी देखी, शर्म भी आ रही है लेकिन मेरा नहाया भाव नहीं आता ना। एक चीज और, वन मोर थिंग, हमारे घर में नया मंदिर आ चुका है, तूने मंगवाया था, और ये हमारे प्रभु का नया घर, सुंदर लग रहा है। अरे ये गल क्यों नहीं रहा, मारा कैडो यार, गल गया ये तो गल गया। चलो शुक्र भगवान, चलो भाई हम तो निकल लिए। पानी की बोतल, ये हमारा प्रोटीन शेक और ये हमारी वेजी, साथ में लंच। गंदा काट दिया, गूगल ने कहता यहाँ से ले लो, यहाँ 10 मिनट फास्टर है, 1.5 घंटे का रास्ता था। साले ने सिर्फ 4 मिनट ही किया भाई, एक घंटा 26 मिनट ही किया भाई। अब 10 मिनट फास्टर बोल के सिर्फ 4 मिनट कम किया इसने भाई, काट देते साले। मतलब जब पिच करने आया तो अलग बता दिया दाम, और जो खरीदने का तो दाम महंगा कर दिया था। नहीं सर, वो सेल लगी थी, सेल खत्म हो गई भाई। 2.5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो हम लोग अभी हाईवे पे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन बंदों को लाइन दिखानी है वो गलत रास्ते चले गए, अब लग चुके हैं एल, वो पूरा ही गलत उल्टा ही चले गए भाई। अब वो यहाँ पे आएंगे, चाय की दुकान है, चाय नाश्ता करते हैं, और क्या करेंगे सर्दियों में, गरम गरम चाय, अपना खाना ना वो खा लेते हैं। वी हैव गॉट सम वेजीज, कर लेते हैं वेजीज लाए हैं, प्रोटीन लाए हैं। चलिए अभी हाईवे छोड़ के हम यहाँ आ चुके हैं, एंड मैं एक बार रशी को लेके जिम कॉर्बेट आया था, वो भी बिल्कुल यही लोकेशन थी। अभी जिम कॉर्बेट ना पहुंचा दे भाई, हमें गाय पाली है, मैं शेर नहीं पालना भाई। भाई दोपहर के 3:15 होगा, अभी तक हम पहुंचे भी नहीं है, कहाँ ले जा रहा हमको भैया? मतलब जिम कॉर्बेट ही जा रहे हैं आज हम, और अभी 25 मिनट और है भाई। आई थिंक यहाँ आसपास गन्ने की फसल लगी, सब लोग अपना सर पे गन्ना, ट्रकों में गन्ना, ट्रैक्टर में गन्ना, गन्ना भर भर के ले जा रहे भाई। अरे भाई साहब ये ट्रैक्टर देखो सामने का, कैसे निकलेगी गाड़ी मेरी? राम 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 राम। अरे भाई साहब ये क्या लदा हुआ भाई, 3-4 खेतों के गन्ने निकाल के ले आए क्या ये? मैं अभी कहीं जा रहा हूँ अपने फार्म वहाँ पे, फ्रस्ट हो गया कि भाई कितना दूर पहुंचेंगे नहीं, इसने ही छोड़ दी गाड़ी, और उसी गाड़ी का हाल देखो भाई। फाइनली हम पहुंचे और हमारी जान में जान आई, सही लोकेशन है, बीच में 2-3 बार गलत लोकेशन आ गई, तो हमें लगा यार ये है, और जो बंदे आ रहे हैं वो लेट हैं, वो पीछे मतलब इनको लगे गाना है, तो यही कोई गेट खोलेगा कि नहीं खोलेगा भाई, खुद ही खोलना पड़ेगा। ये वाला खुला है, ये भी बंद है। भैया कोई है अंदर? भैया बंदर दिख रहे हैं अंदर, कोई है? गार्ड रूम में भी कोई नहीं है भैया। इसमें पाइप कहाँ से बना घूम जाने? ऐसे आती प्यार कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, शी विल अप्रूव एंड देन आप। दो तीन फार्म में देख चुका हूँ, बट उसमें इतना बना नहीं था, बट ये पूरा ऑलमोस्ट बना ही हुआ है भाई, बहुत बड़ा भाई यहाँ तो, मतलब इतना बड़ा तो हमें चाहिए भी नहीं, मतलब मैं तो छोटा सा देखने आया अपने लिए, यहाँ थोड़ा हो जाए बस प्रॉपर, यहाँ खेती वेती भी कर सकते हैं। यहीं की हल्दी है? ये क्या बना रखा है, ये कौन सा एरिया है? मिल्क पार्लर है ये, था। ये प्रेग्नेंट गाय के लिए था, हाँ। ये अलग मशीन थी, तो अच्छा अच्छा वो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए गया, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पूरा मिल्क का सेग्रीगेशन है। लेकिन है तो बहुत बड़ा भाई, बाथरूम है ये, क्या है चारा वारा रखना आपने? ट्रैक्टर आपका भैया? ये लकड़ी वकड़ी सब है, बढ़िया भाई सर्दियों में तो मजे करेंगे, उपले उपले रखे हुए। तो अगर मेरा ये पूरा अगर चारे से भर गया है तो कितना दिन चल जाएगा ये? 3500 क्विंटल
चारा आ जाएगा, सूखा चारा, इस वाले का सूखा चारा। ये किस लिए बनाया हुआ है यहाँ पे? ये जी आरसीसी में है, सारा नीचे से भी और ऊपर से भी। ये है साइलेज भी। साइलेज? हाँ जी। वो क्या होता है? खाना होता है वो, होता गायों का खाना जो सारा मिक्स करके। तो बारिश में दिक्कत नहीं होती होगी? बारिश में है, बारिश में कैसे काम करते? नहीं ये बना ही था, इसमें बना नहीं एक भी बार। ये ताजे हैं? साइलेज नहीं बनाया अभी। ये है? हाँ इसको पसंद नहीं आया। आ जा। इसको पसंद नहीं आया, क्या हो गया? कम ऑन भाई। ये तो हम तो आए थे कि हाँ थोड़ा अपना 5-6 गाय रखेंगे। तो कहते हैं प्रोफेशनल था भाई यहाँ पे, तो बड़ा उसका तो दाम पूछने वाली फट रही है भाई। देख दाख लिया, अभी निकलते घर की ओर। 3.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। आज का जिम शायद मिस हो जाएगा, लेकिन करेंगे नहीं, पूरी जान लगा देंगे भाई। आम पे ना बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। मैंने कहा भैया वाह यार आम के पेड़, इसमें आम आते। कहता बहुत अच्छे आते हैं भैया। मैंने कहा मजे हो जाएंगे यार, यहाँ तो पूरा एक कुटिया बना रहे और आम खाया करेंगे, रस्सी वस्सी मजे आएंगे भी हमें। कहता बंदर एक आम नहीं छोड़ते, इतने बंदर थे हमारे। बाद में देखा भी, कहता हम जो भी लगाते ना सब बंदर की हेल्थ बन रही भैया, हमारी तो कुछ ना बन रही। बंदर बहुत थे भाई वहाँ, गजब। मेरे सामने अभी क्या हुआ आप यकीन नहीं करोगे, जो सामने गाड़ी वाला जा रहा ना उसकी और इस वाले की लड़ाई हो गई। ओ भाई मैं कहूँ क्या कर रहा है, दोनों ने स्लो कर ली, एक दूसरे को उंगली दिखा रहा है, मिडिल फिंगर दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करके चला रहा बंदा यार। वो पागल है लोग भाई, ये लड़ाई के चक्कर में मरेंगे। गांव 83 किलोमीटर यहाँ से भाई, फट जाएगी। अभी 2.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट 2.25 घंटा। आज तो जिम गया, जस्ट रीच्ड होम भाई। आज तो सही में भाई लग गए भाई, 9 बजे पहुंचा हूं, 12 बजे निकला सुबह दिन में। मतलब रशी भी अभी आई है ट्यूशन से इतनी लेट। क्या बात है भैया, हवाई गो टू स्कूल बनाया, जो हवाई गो टू स्कूल रश्मि ने बनाया, हवाई गो टू स्कूल। ये पापा है, पापा के बाल कैसे बनाए भैया? राइट में डैड कहाँ लिखा? अच्छा ये क्या लिखा है? बैड। ओए डैड को बैड लिख दिया है। वाह ये डी लिखा है कि बी लिखा है? मम्मा को दिखाओ, एक बार मम्मा को दिखाओ। मम्मा मुझे पता मैंने क्या लिखा। अबे बैड लिखा तूने डैड की जगह। दिखा मम्मा को, डी ए डी है कि बैड है? बी ए डी है। देखो मम्मा क्या है, बी ए डी है कि डी ए डी है? वो पिताजी को बैड लिख दिया है। रीजनिंग क्या है? मैं बी ऐसे बनाती हूँ, डी मतलब ऐसी बनाती हूँ। वाह ये रीजनिंग है तुम्हारी। क्या हुआ बेटा इन प्रभु को, क्या हुआ हमारे? पापा तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? आप इनका एक सेकंड, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? मैं दीदी के लिए धनुषवान मंगा रहा हूँ। धनुषवान चाहिए आपको? नहीं। फिर क्या चाहिए मेरे बच्चे को? आंसू आ गए मेरे बच्चों के, आंसू आ गए। दूध नहीं चाहिए? चाहिए दूध। दूध लाओ मम्मा बच्चे के लिए। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बेटा मैं आज 7 घंटा गाड़ी चला के आया हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है। क्या लाया शॉपिंग करके भैया? ऐसी क्या है ये? क्या है ये? सपेरे, सपेरे की पेटी है क्या ये? है क्या तू ट्रे है ये? ये क्या लाया हूँ? ये तो अच्छे पानी की ग्लास है। ये क्या चीज है भैया? है चाय के लिए? इतना टीम जाम रस्सी में पिला देते, बनाई चाय मैंने। इसे पत्ती डाल दो बीच में, गैस पे रख दो पूरी है। रस्सी में शर्त लगा सकता हूँ, बनेगी फिर भी स्टील वाले बर्तन में। ये बनाने के लिए नहीं है, ये डालने के लिए। हमारा तो यही किचन है, यही ड्राइंग रूम है, यही बेडरूम है, यही हमारी कर्म भूमि है। पहले तो थोड़ा काम करते हैं, काम सुबह निकलना है। 7:30 की फ्लाइट है डायरेक्ट अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के पास। आपसे मिलेंगे कल। बाय बाय।